अष्टमध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तत्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन कहिले हे पुरुषोत्तम हे मधुसूदन सही ब्रह्म कौन अध्यात्म कौन कर्म कौन अधिभूत काहाकु कहाजाए एवं अधिदैव अधियज्ञ कौन ये देहरे से किपरि भावरे चिंतनीय मृत्यु समय संयत चित्त लोक माने तुम्हको किपरि जानि पारंती। श्री भगवान उवाच अक्षरं परमं ब्रह्म स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंहितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मदभावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरणभावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। श्रीकृष्ण कहिले जहाँ परम पदार्थ ताहा ही ब्रह्म स्वभाव को अध्यात्म बोली कहंती एवं भूत मानंकर उत्पत्ति कारक जो सृष्टि व्यापार बा द्रव्यत्याग रूप यज्ञ ताहा ही कर्म नाम रे कथित। हे नरश्रेष्ठ अर्जुन विनाशशील देह आदि वस्तु ही अधिभूत पुरुष ही अधिदैवत आम्भे ही से ही देहरे अधिज्ञ जे मृत्यु समय मोते स्मरण करु करु देहत्याग करती से मोर भाव प्राप्त हुंती एथिर संदेह नहीं। हे अर्जुन जे जेउ जेउ भाव स्मरण करु करु अंतकाल रे देहत्याग करती से सर्वदा से ही भाव रे तन्मय थिबा हेतु से ही भाव को ही प्राप्त हुंती। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यार्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेदय्य सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुष मुपैति दिव्यम्। सही हेतु सर्वदा आम्भंकु स्मरण कर एवं युद्ध रे प्रवृत्त हो आम्भठारे मन बुद्धि अर्पण कले तुम्हे निश्चय आम्भंकु प्राप्त हबो। हे अर्जुन चित्त को अन्य विषय न दे अभ्यास द्वारा यहाँ स्थिर करी साधक दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होते। सही परम पुरुष सर्वज्ञ अनादि
सर्वनियंता सूक्ष्माति सूक्ष्म समस्तंकर विधाता अचिंत्य स्वरूप सूर्यंक परि स्वप्रकाश प्रकृति बा मायारु अतीत जे मरण समय मन को एकाग्र करी भक्ति युक्त हो योग बल द्वारा प्राण को भ्रूजुगल मध्य धारण करी ताहांकु स्मरण करती से सही दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होती। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत् यत् यो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्यो मनो हृदि निरुद्ध्य च नृत्याध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। वेदज्ञ पुरुष माने जहाँको अविनाशी बोली कहते अनाशक्त योगी माने जहाँको लाभ करते जहाँको पाइबा पाए ब्रह्मचारी माने ब्रह्मचर्य अनुष्ठान करते से ही परम पद प्राप्तिर उपाय संक्षेप तुमको कहुअछे। जो उपासक समस्त इंद्रिय द्वार को अवरुद्ध करी एवं मन को हृदय मध्य निरुद्ध करी प्राण को भ्रूद्वय मध्य स्थापन पूर्वक आत्मसमाधि रूप जोगरे अवस्थित होई ओम एही ब्रह्मात्मक एकाक्षर उच्चारण पूर्वक आम्भंकु स्मरण पूर्वक देहत्याग करंती से परमगति प्राप्त होंती। जे एकाग्र चित्तरे चिरदिन सर्वदा आम्भंकु स्मरण करंती से ही नित्ययुक्त जोगिंक पक्षरे आम्भे सहज लक्ष्य। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्मभुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां तेहो रात्र विदो जनः अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्तसंज्ञके। आम्भ भक्त माने आम्भंकु प्राप्त होइ दुखर आलय स्वरूप अनित्य पुनर्जन्म पुणी प्राप्त होंति नहि कारण से माने आम्भंकु लाभ करी परमासिद्ध प्राप्त होइथांति। हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोकरो लोक माने फेरि आसे पुनर्बार जन्म ग्रहण करंति किंतु आम्भंकु पाइले आउ पुनर्जन्म हुए नहि। मनुष्य गणना रे 4000 युग पर्यंत गोटिए दिन एवं 4000 युग पर्यंत गोटिए राति यहा जो माने जानंती से माने दिन और रात्रर प्रकृत तत्व जानंती। ब्रह्मांकर दिवस आरंभ रे अव्यक्त अर्थात प्रकृति रे समस्त व्यक्त पदार्थ उत्पन्न हुए एवं रात्र आरंभ रे पूर्ण से अव्यक्त प्रकृति रे लय प्राप्त हुए। Thank you.
ग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यह रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत् सुनविनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् हे अर्जुन जो प्राणी माने पूर्व कल्परे थिले सही प्राणी माने ब्रह्मांकर दिवस आरंभरे कर्म बशरे पुनः पुनः उत्पन्न होंती एवं ब्रह्मांकर रात्र समागमरे लय प्राप्त होंती किंतु सही प्रकृतिरु अतीत जो नित्य अव्यक्त पदार्थ अछंती समस्त भूतर विनाश हेले मध्य से विनष्ट होंती नहीं जहां अव्यक्त अक्षर नामरे कथित होंती ताहांकु परमगति कहा जाए जहांकु पाइले पुणी ए संसार को फेरिबा को हुए नहीं ताहा ही आंभर परम स्वरूप हे अर्जुन समस्त जगत जहांको ठारे अवस्थान करुअछंती जहांको द्वारा ये समस्त जगत व्याप्त से ही परम पुरुषों को केवल अनन्य भक्ति द्वारा लाभ करा जाए यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गति चेते जगतः शाश्वते मते एकया यान्त्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः हे धनंजय ज्यों कालरे प्राण त्याग कले जोगी माने पुनर्बार फेरंती नहीं एवं पुनर्बार फेरंती सही काल विषय तुम्हको कहुअछि अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण रो 6 मास यही समय रे प्राण त्याग कले ब्रह्म उपासक माने ब्रह्म को प्राप्त होंते धूम रात्र कृष्ण पक्ष दक्षिणायन रो 6 मास यही समय रे अर्थात यही समस्त देवता मानंकर लक्षित मार्ग रे गमन करी सकाम कर्मकारी पुरुष स्वर्गलोक प्राप्त हुई सेठारे कर्मफल भोग करिबा परे पुनर्बार संसार को फेरी आसंते जगतरे शुक्ल प्रकाशमय ओ कृष्ण बा अंधकारमय एई दुईटी मार्ग नित्य बा अनादि बोली प्रसिद्ध गोटिक द्वारा मोक्ष लाभ हुए एवं अन्यटी द्वारा पुनर्जन्म लाभ हुए नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्
हे अर्जुन, यही मार्गद्वय को जानिले कौनसी जोगी मोह प्राप्त हुंते नहीं। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सर्वदा जोग युक्त हो। वेदाभ्यास, यज्ञ, तपस्या और दान आदि जो पुण्यफल निर्दिष्ट हुई अछि, यही तत्व जाणी जोगी पुरुष समस्त अतिक्रम करती और मोक्ष प्राप्त हुंती। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः।